नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो। आप लोगों की तरह मैं भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था 2021 में क्या कुछ नया लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, फाइनली मेरे पास आ गया है सैमसंग का नया क्रिस्टल UHD AU8000 सीरीज़। चलिए देखते हैं इस ईयर सैमसंग टीवी में डिज़ाइन, पिक्चर, साउंड और फीचर्स में क्या कुछ नया मिलेगा, या फिर घिसा पिटा वही 2020 का सेम टेक्नोलॉजी। वीडियो होने वाला है इसी बात पे थोड़ा लेंदी, क्योंकि सब कुछ कवर होने वाला है इसी वीडियो में, इसीलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। आप देख रहे हैं एज टेक गाइड और मेरा नाम है सुमन। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले सैमसंग से 43 इंच और 55 इंच का दो ब्रांड न्यू टीवी मेरे पास आ गया है। दोनों बॉक्स ही दिख रहा है काफ़ी सिंपल, क्रिस्टल UHD ब्रांडिंग के साथ। 55 इंच को साइड में रखते हुए 43 इंच का जल्दी होगा अनबॉक्स। दोस्तों, साइड के स्टिकर में मॉडल, मैन्युफैक्चर डेट, MRP और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ बॉक्स हो गया है अनबॉक्स। टीवी का फर्स्ट लुक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है दोस्तों, क्योंकि टीवी आ रहा है बेजललेस डिजाइन के साथ। टीवी नीचे से दिख रहा है काफी स्लिम। जल्दी से इसको ऑन करके देखते हैं कैसा है इसका पिक्चर क्वालिटी, लेकिन उससे पहले टीवी का एसेसरीज चेक कर लेते हैं। एक POP स्टिकर, दो टेबल टॉप स्टैंड, पावर केबल, बैटरी, रिमोट और कुछ पेपर वगैरह। इसके साथ ही दोस्तों, इसका जो रिमोट, जिसको बोलते हैं सैमसंग वन रिमोट, जो काफी अच्छा लुक दे रहा है। बात करते हैं दोस्तों अभी टीवी के इनपुट की। तीन HDMI, जिसमें एक है ERC, दो USB, एक AV और एक ऑप्टिकल आउट, और बैक साइड पे वॉल माउंट सेटअप एंड पावर इनपुट। दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो टीवी के बैक और साइड कवर है शाइनिंग प्लास्टिक कवर के साथ। अगर बात करें इसकी डिजाइन की तो दो स्टैंड पे टीवी काफी अच्छा लुक दे रहा है, और सैमसंग एयर स्लिम कंसेप्ट के लिए इस टीवी साइड से बहुत स्लिम है। स्टैंड पे सेट होने के बाद पीछे से ये टीवी कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप लोग एक बार टोटल ओवरव्यू ले लीजिए। और एक चीज आप लोग और मैं भी नोटिस ही नहीं किया, सैमसंग का लोगो इस बार साइड पे है। खूबसूरत सैमसंग लोगो के साथ टीवी हो गया दोस्तों स्टार्ट, और जल्दी से हो रहा है क्विक सेटअप। वीडियो अभी तक अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। टीवी हो गया है दोस्तों फुल्ली ऑन, और इसी के साथ सामने से काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लुक टीवी प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, डिस्प्ले का डिज़ाइन की बात करें तो टीवी के नीचे सिर्फ थोड़ा सा बेजल ही दिख रहा है, और बाकी की तीनों साइड में बेजल लेस होने के बावजूद 3mm का ब्लैक बॉर्डर दिख रहा है। इस टीवी का पिक्चर कैसा है? सो बात होगी अभी सिर्फ पिक्चर की। टीवी आ रहा है 60Hz 4K रेजुलेशन VA डिस्प्ले के साथ। टीवी में है डायनेमिक क्रिस्टल कलर और क्रिस्टल प्रोसेसर 4K, जो टीवी के पिक्चर को और भी इन्हेंस कर देता है, और एक भी डिटेल्स
मिस नहीं करने देता है। और टीवी HDR 10 सपोर्ट के साथ भी आता है। और दोस्तों टीवी का साउंड की बात करें तो दो बॉटम फायरिंग स्पीकर के साथ 20 वाट का साउंड टीवी प्रोवाइड करता है। स्टेप बाय स्टेप टीवी हो रहा है वाईफाई से कनेक्ट। और क्या कुछ नया फीचर्स है क्या इसमें, उसे चेक करेंगे। प्लीज़ दोस्तों आप लोग ये स्टेप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत सारा दोस्त लोग को ये स्टेप पता भी नहीं। टीवी हो गया है दोस्तों वाईफाई से कनेक्ट, लेकिन टीवी का डेस्क पूरा खाली है। सो अभी टाइम है ऐप स्टोर से कुछ ऐप्स डाउनलोड करने का। सैमसंग बता रहा था कुछ न्यू ऐप्स 2021 में टीवी में मिलेगा। सो देखते हैं क्या कुछ नया मिलता है इसमें। टीवी में काफी कुछ OTT ऐप्स दिख रहा है दोस्तों, जैसे गूगल असिस्टेंट, यूट्यूब, एलेक्सा, G5, यूट्यूब किड्स, प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा, नेटफ्लिक्स, फेसबुक वॉच, ट्यून स्टेशन और बिल्कुल नया सैमसंग टीवी प्लस। दोस्तों चलिए देखते हैं सैमसंग टीवी प्लस का एक्चुअली काम क्या है। ओके दोस्तों पता चल गया, सैमसंग टीवी प्लस एक फ्री एड सपोर्टेड स्मार्ट वीडियो सर्विस है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ टीवी चैनल आप देख पाएंगे। अभी चलते हैं दोस्तों ट्यून स्टेशन की तरफ। दोस्तों ट्यून स्टेशन एक म्यूजिक स्टेशन और लाइव वॉलपेपर की तरह शोकेस है। इसमें कुछ नया दिखने को मिलेगा, कंपनी का यही कहना है। चलिए देखते हैं क्या कुछ नया मिलेगा इसमें। अभी तक तो दोस्तों कुछ चेंज नहीं हुआ है थीम और शोकेस में, लेकिन थीम में ऐसा एक और शोकेस में ऐसा ही 3 न्यू सेटअप ऐड होगा, ये कंपनी का कहना है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी सेटिंग्स की। टीवी है तो पहले चेक होगा इसका पिक्चर सेटिंग्स। पिक्चर सेटिंग्स में जो पिक्चर मोड और एक्सपर्ट सेटिंग्स है उसे चेंज करके आप पिक्चर खुद के हिसाब से और भी अच्छा कर सकते हैं। और साउंड के लिए टीवी स्पीकर छोड़ के आप ऑप्टिकल या फिर ब्लूटूथ से किसी भी स्पीकर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। और 3 साउंड मोड यहां पर दिख रहा है। दोस्तों अगर आपको डॉल्बी एटमोस साउंड चाहिए तो आपको डॉल्बी एटमोस का कोई होम थिएटर ARC से टीवी के साथ कनेक्ट करना होगा। और यहीं से आप अपने टीवी को सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात इसका डिवाइस केयर, जिसको लेके हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। गेमर्स दोस्तों के लिए गुड न्यूज़, टीवी पर है मोशन एक्सेलरेटर टर्बो प्लस इंजन, जिसके लिए आपका टीवी गेमिंग के टाइम पे एक अलग फील प्रोवाइड करेगा और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर होगा। मेन चीज अभी भी बाकी है दोस्तों, PC ऑन टीवी, जिसमें आपको आपका पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल से आपका स्क्रीन शेयर, एप्पल एयरप्ले से आपका मैकबुक कनेक्ट, PC का ऐप इंस्टॉल, रिमोट PC, सैमसंग डेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का वर्किंग एक्सपीरियंस भी सिर्फ इसी टीवी से मिलेगा। टीवी में एक बार YouTube तो ओपन करना ही होगा, आफ्टर ऑल मेरा वीडियो भी आप सब YouTube पर ही देख रहे हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आपका टीवी को अच्छे से ऑप्टिमाइज करने के लिए
ये डिवाइस केयर ऑप्शन टीवी में दिया है। टीवी ऑफ होने से पहले ये प्रोसेस ज़रूर कीजिए और वीडियो ऑफ होने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म होने का टाइम आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक अपना और अपना फैमिली का ख्याल ज़रूर रखें।